आइए देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार रीड कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लिखोगे कैसे वो इंपॉर्टेंट है समझना। बेटा अगर मैं बात करूं सैंपल स्पेस की, सैंपल स्पेस, पहले सैंपल स्पेस लिखना जरूरी है। जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर वो आपसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। एक हेड की बात करूं मैं तो बेटा क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ, यहां मैं इवेंट लिख देता हूं, चलो मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं फिर करता हूं मैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट की बेटा प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब बेटा हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ हेड बेटा यहां पे कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज, बेटा हेड कितने हैं, वन, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालते हैं, आपको सैंपल स्पेस में देखना होगा कि कितने नंबर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, टू। तो प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी आ गई, 1/2। फॉर्मूला बेटा आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बार आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फिर वो आपसे पूछ रहे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो नंबर ऑफ टेल आप देखोगे कितने हैं और फिर देखोगे टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है बेटा, बेसिकली यहां पे टेल कितने हैं, सिर्फ एक, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टू। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है, सेम, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन।